दोस्तों आप सभी के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं हमको अच्छे अच्छे, उसमें से आप बहुत कर रहे हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से और समझा कि आप बैंजो के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो उनमें से बहुत से मैसेजेस थे कि सर आप बैंजो पर अलंकार बजाना सिखाइए, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पर बहुत से अलंकारों के वीडियोज़ देखे लेकिन वो सब हारमोनियम या कीबोर्ड पे थे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हारमोनियम राइट हैंड से बजता है या कीबोर्ड भी राइट हैंड से लीड बजाती है, तो आपको बैंजो पे तो लेफ्ट हैंड से चलना है, तो लेफ्ट हैंड से लीड करनी है, तो फिर उंगलियां चलाते वक्त हमसे गलतियां होती है और फिर उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो देखिए दोस्तों बात तो सही है, अभी फिंगर में क्या प्रॉब्लम होगी जब राइट हैंड से आप सारे गमों बजाओगे, तो देखिए अगर इसको सा मान लिया तो सा इस तरह फिंगर पोजीशन आ जाएगी। अब यही लेफ्ट हैंड से बजाएंगे तो ये रख के फायदा नहीं है, आपको ये उंगली रखनी पड़ेगी। फिर मतलब क्या हुआ कि अगर नोट वही है लेकिन आप हाथ बदल देंगे, राइट की जगह लेफ्ट हाथ लेंगे, तो आपकी फिंगरिंग चेंज हो जाएंगी, उसमें उंगलियां को आपको बदलनी पड़ेगी पड़ेगा। अब वो सही तरीका कैसे कैसे करना है तो इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो उसमें क्या होता है, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो बैंजो सिखाते भी है, बहुत से ऐसे गुरु देखे जो बैंजो के बारे में जानकारी देते हैं, उसमें वो उनका खुद का फिंगरिंग ही गलत हो जाते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से भी कोई बताने वाले हैं कि इस तरह आपको दिखा देते हैं, फिर इस तरह से अलंकार बजे, तो ये तो गलत है भाई। आप दो ही उंगली से सब अलंकार थोड़ी बजा सकते हो, आपको उसमें ये देखिए अभी सारे गम तो मैंने पहले भी कहा है आपको, ये पूरे चारों उंगलियों का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे 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 बदल के अगर आप कोई सिखा रहा है तो वो सिखाना भी गलत है, और आप अगर ऐसे सीख रहे हैं तो वो सीखना भी गलत है। तो हम तो आपको देखिए एक तो अलंकार भी सिखाएंगे और उसमें आपको वो अलंकार बजाते वक्त आपका फिंगर पोजिशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दीजिए देने वाले। तो क्या है कि आप उससे पहले देखिए हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो एक तो पहले ये देखिए मैंने आपके लिए चार्ट बना के रखा है, तो इस तरह से आज हम चार अलंकार सीखने वाले। तो आप अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे वीडियो के नीचे ऐसा सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए और साथ में घंटी भी दबाइए, ताकि इसका जो हम सीरीज बनाने वाले हैं अलंकार के और अगले वीडियो बनाएंगे और अलंकार आपको सिखाएंगे वो सब वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते सीखना। तो पहला अलंकार है सारे ग म प ध नि सा, आरोह में क्या आएगा सारे ग म प ध नि सा, और अवरोह में वही उल्टा आ जाएगा सा नि ध प म ग रे सा। तो आपको इसको किस तरह बजाना है आसान है, देखिए ये चार उंगलियां, ये पहला बटन सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प हाथ उठा के ग रे सा, ठीक है हाथ उठाना है आपको, चार हो जाने के बाद हाथ उठाना है सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब ये हो गया, अब इसको क्या करना है थोड़ा और फास्ट बजाने की कोशिश कीजिए, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इस तरह हो गया आपका पहला अलंकार। फिर आप दूसरा अलंकार सीखने लेंगे तो उसमें आपको दो दो स्वर बजाने, आरोह में क्या आएगा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा, और अवरोह में सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा। तो इसको कैसे करना है, इसमें भी आपको यही चार उंगलियों का चार बटनों पे प्रयोग करना है, जैसे सा रे रे ग ग म, अब हाथ उठाना है म प प ध ध नि नि सा, और अवरोह में सा नि नि ध ध प, फिर हाथ उठाना है। अब इसको थोड़ा मीडियम में बजाइए,
फिर थोड़ा फास्ट बजे। हुआ, फिर आ गया तीसरा। तीसरा आपको किस तरह सीखना है, तीसरे अलंकार में तीन तीन नोट है, सारे ग, रे ग म, ग म प, म प ध, प ध नि, ध नि सा, और अवरोह में सानी ध, नि ध प, ध प म, प म ग, म ग रे, ग रे सा। अब अवरोह कैसे बजाना है आपको, ये तीसरे अलंकार में आपको तीन उंगलियों का प्रयोग करना है, ये तीन उंगलियां आपको चलानी है। किस तरह देखिए, पहले नोट पे आएगी ये उंगली, सारे ग रे ग म ग म प म प ध, मतलब आपको पहली उंगली, फिर पहली उंगली रखनी है, फिर पहली, और अवरोह बजाते टाइम अंगूठा आपको पहले रखना है, फिर अंगूठा, फिर अंगूठा, फिर अंगूठा, इस तरह से। अब इसको थोड़ा फास्ट बजाने की कोशिश कीजिए, हुआ, फिर इसको आपको दो तीन बार नहीं, एक एक अलंकार कम से कम 10-15 बार 20 बार जितना आप फास्ट बजा सकते हैं उतना फास्ट बजाने की कोशिश कीजिए। अब चौथा, चौथे में क्या है, आपको चार नोट बजानी है, ठीक है। आरोह में क्या आएगा, सा रे ग म, रे ग म प, ग म प ध, म प ध नि, प ध नि सा, और अवरोह में सा नि ध प, नि ध प म, ध प म ग, प म ग रे, म ग रे सा। अब इसको किस तरह बजाना है, चारों उंगलियां चारों नोट पे, फिर ये चौथी वाली नेक्स्ट, फिर ये, आप फिंगरिंग पे ध्यान दीजिए, फिर अंगूठा, अब इसको थोड़ा फास्ट बजाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह ये चार अलंकारों की आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आप शुरुआत में तो यही है, आप अगले अलंकार में और देने वाला हूँ और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का ये लेसन आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।